संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जनपद मुरादाबाद में भी सफाई अभियान को प्राथमिकता के साथ कराए जाने की बात कही गई है। मुरादाबाद के कांट रोड विकास भवन स्थित कार्यालय पर मौजूद रहे जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हमारी टीमें तेजी से काम करने जा रही हैं। आने वाले दिनों में स्वच्छता अभियान को प्राथमिकता के साथ करने का काम किया जाएगा। गांव-गांव सफाई अभियान की टीमें काम कर रही हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा उस कचरे को उठाकर ट्रेंचिंग ग्राउंड तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। सिटी चैनल से बात करते हुए पंचायत राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी द्वारा बताया गया। बता दीजिए देखिए, अभी जनपद में हम लोग जो है कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके क्रम में पंचायती राज विभाग द्वारा विशेष साफ सफाई अभियान 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक हम लोग चला रहे हैं। सभी ग्राम पंचायतों में ट्रैक्टर ट्राली लगाकर और अगर आवश्यकता है तो प्राइवेट मजदूर भी लगाकर बृहद स्तर पर सभी गलियों की, सभी जलभराव वाले स्थलों की, सभी जो है नालियों की इसको साफ सफाई करवाई जा रही है। और जनपद स्तर पर और विकासखंड स्तर पर हमारे कंट्रोल रूम स्थापित हैं और हम लोग जो है इस दौरान विशेष साफ सफाई अभियान संचालित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ही दिए गए निर्देशों के क्रम में सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों की स्थापना का कार्य किया जा रहा है और अभी तक केवल मात्र 63 ग्राम पंचायतों को छोड़कर सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन पूर्ण किए जा चुके हैं और शेष सभी जगहों पर कार्य तेजी से चल रहा है और उम्मीद है कि हम लोग अगले 10 दिनों में बहुत अच्छी प्रगति कर पाएंगे। इसी तरीके से सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों पर केयर टेकर की तैनाती की जा चुकी है और सभी अपने नियमानुसार अपने जो है समय पर उपस्थित होकर साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं। देखिए, अभियान में सभी लोगों से अपील ये रहेगी कि चूँकि अभी अपने जनपद में पिछले दिनों में 3-4 दिनों तक लगातार बारिश रही है और जो है जलभराव की स्थितियां सामने आ गई हैं, जो सार्वजनिक स्थल हैं हम लोग उनको कोशिश करके बिल्कुल अच्छे ढंग से उस पर साफ सफाई करवा रहे हैं और फॉगिंग का कार्य, छिड़काव का कार्य करवा रहे हैं। यदि कहीं ऐसा स्थल है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है या किसी कारणवश जो है अभियान से छूट जाता है तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने सहायक विकास अधिकारी पंचायत, अपने ग्राम प्रधान और यदि आवश्यकता है तो अध्यक्षाक्षरी को मुझे जो है ज़रूर अवगत कराएं ताकि समस्या का समाधान कराया जा सके।